हेलो बच्चे कैसे हो आप सब उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए सो मैं हूं हूँ मुंजाल सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लोग आज हम बहुत इजी चैप्टर करने वाले हैं इस चैप्टर का नेम आप देख लो एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ठीक है जी सेकंड लास्ट चैप्टर है इसके बाद बस एक चैप्टर और रह जाएगा उसके बाद हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स एकदम बहुत अच्छे से समाप्त हो जाएगी ठीक है जी अच्छा आपको एक चीज बता दू मैं हर एक चीज को बेटा डिटेल में पढ़ा रही हूँ हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है चलिए जी जी तो so, तो शुरुआत शुरुआत करें चल so, करते हैं हैं एक बार देख लेते आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक्स हम कर, करने वाले हैं तो so, सबसे पहले एनवायरमेंट का मतलब समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट क्या है रिन्यूएबल रिन्यूएबल एंड नॉन रिसोर्सेज क्या होते हैं कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस क्या है ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया क्या है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या होता है

माइक्रो ऑर्गेनिजम फिशरीज एक्सेट्रा तो एनवायरमेंट क्या है वर्ल्ड जिसमें सब रहते हैं, जो हमें वॉटर हो, हो, हो पानी हो ठीक है सोयल हो प्लांट्स हो एनिमल्स ह्यूमन बींग्स माइक्रो ऑर्गेनिजम छोटे छोटे कीड़े फिशरी जो फिशेज होती है सब इकट्ठे रहते हैं सबका है एनवायरमेंट क्लियर है इट्स अ नेचुरल वर्ल्ड सब रहते हैं इसमें सब सब रहते हैं सब इंक्लूड होते हैं में ठीक है एनवायरमेंट में सब इंक्लूड होते हैं आसान है, है तो चलिए जी एनवायरमेंट बेटा वो है जो हमें नेचर से मिली है जो परमात्मा की देन है जिसके अंदर सब आते हैं चलिए जी आगे बेटा जो एनवायरमेंट है इसके अंदर दो एलिमेंट्स आते हैं एनवायरमेंट के अंदर दो एलिमेंट्स आते हैं एक होता है बेटा आपका फिजिकल एलिमेंट्स एक क्या होता है बेटा आपका फिजिकल एलिमेंट्स और दूसरा होता है बेटा आपका लिविंग एलिमेंट्स क्या होता है बेटा लिविंग एलिमेंट्स फिजिकल एलिमेंट्स को बेटा आप अबायोटिक एलिमेंट्स भी बोलते हो और नॉन लिविंग एलिमेंट्स भी बोलते हो ध्यान समझिए एक होता है आपका फिजिकल एलिमेंट्स और एक होता है आपका लिविंग एलिमेंट्स फिजिकल एलिमेंट्स को आप नॉन लिविंग एलिमेंट्स और अबायोटिक एलिमेंट्स बोलते हो दूसरा लिविंग एलिमेंट्स को आप बायोटिक एलिमेंट्स भी बोलते हो क्या बोलते हो बायोटिक एलिमेंट्स बचपन में हमने जरूर सुना होगा लिविंग एलिमेंट्स और नॉन लिविंग एलिमेंट्स वही है सेम लिविंग और नॉन लिविंग ही है ठीक तो है elements, जी? तो आप कौन -कौन से? जैसे कि एयर वाटर सोयल होगी मिनरल्स होगी ये क्या आपके नॉन लिविंग एलिमेंट्स ठीक है लिविंग एलिमेंट्स क्या जो जो फील करते हैं जो सांस लेते हैं लिविंग एलिमेंट्स कौन से ठीक है जैसे कि प्लांट्स हो गए

है बेटा आपका सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट क्या है मेरे बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस कि एनवायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंट से हमें क्या क्या मिलता है एनवायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है तो सबसे पहले एनवायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर डूइंग प्रोडक्शन एनवायरमेंट हमें रिसोर्सेज देता है ताकि हम क्या कर पाए प्रोडक्शन कर सके एनवायर से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं जिससे हम प्रोडक्शन कर सके कौन कौन से रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स वुड वाटर एंड अदर ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें एनवायरमेंट से मिलते हैं जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन कर पाते हैं आप खुद सोचिए वुड है तो वुड से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं फर्नीचर में वुड होगा तो ही फर्नीचर वगैरह में प्रोड्यूस कर पाएंगे ना तो वुड से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं वाटर तो आप बताइए क्या बिना पानी की कोई भी प्रोडक्शन हो सकती है नहीं हो सकती अगर हम एग्रीकल्चर में ले क्या बिना पानी की कोई फसल उग पाएगी नहीं उग पाएगी नहीं उग पाएगी तो पानी है तो ही हम प्रोडक्शन कर पा रहे फसल वगैरह उगा पा रहे ठीक है सोयल क्या बिना मिट्टी के प्रोडक्शन हो सकती है नहीं एग्रीकल्चर में ले अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो क्या फसल उग, उग पाएगी नहीं और अगर फसल ही नहीं उग पाएगी तो हम कुछ खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे हम सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे सिंपल सी बात है तो ये हमें देता को एनवायरमेंट से मिलते हैं एनवायरमेंट की दे नहीं ठीक है एंड बहुत सारे अदर रिसोर्सेज हमें एनवायरमेंट देते हैं जिससे हम क्या कर पाते हैं मेरे बच्चों प्रोडक्शन कर पाते हैं तो वही लिखे हुए हैं एनवायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल रिसोर्सेज बहुत सारे रिसोर्सेज हमें देता है अरे क्या हो गया एनवायरमेंट जो है हमें बहुत सारे रिसोर्सेज देता है विच आर अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ये हमें फ्री में मिलते हैं ये नेचर के द्वारा ये परमात्मा ये जो एनवायरमेंट है ये हमें फ्री में देते हैं ठीक है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है नेचर का एक फ्री गिफ्ट है ठीक है, इन resources को हम use करते, इनपुट की तरह हम इसको use करते, करते की तरह करते, ताकि output में कन्वर्ट कर पाए, पाए? यानी उसको हम अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज एज अ इनपुट यूज किए जाते हैं ताकि उससे प्रोडक्शन कर जाए यानी आउटपुट में उसको कन्वर्ट किया जाए रिसोर्सेज आर यूज एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन ताकि प्रोडक्शन कर पाए इनफैक्ट प्रोडक्शन इज सिंपली प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इंटू ए यूजफुल थिंग प्रोडक्शन का मतलब पता है कि प्रोडक्शन का मतलब है इन नेचुरल रिसोर्सिस को यूज करो एज अ इनपुट ताकि हम उससे क्या कन्वर्ट कर पाए यूजफुल थिंग फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट कर पाए ठीक है आसान है आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो सिंपल चलिए दूसरे एनवायरमेंट से हमें क्या मिलता है एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ एनवायरमेंट है तो हम जिंदा भाई कैसे क्योंकि एनवायरमेंट है जो हमें सूरज सन एनवायरमेंट का हमें सन मिला Soil, water, air, जो बहुत ज्यादा असेंशियल है बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे अब एक बार बताइए सर्दियों में चार दिन बेटा धूप नहीं निकलते ना पता है ना क्या हालत हो जाती है अब सोचो पूरे साल धूप नहीं निकल रही तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बिना मिट्टी के हम सरवाइव कर पाएंगे देखो मिट्टी नहीं होगी तो फसल नहीं होगी कि फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या और बिना खाए क्या हम सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बिना पानी के हम सरवाइव कर पाएंगे चार दिन बिना पानी के रह लो पता चल जाएगा है ना वो वाले ठीक है ठीक है मान लिया एक दिन करवा चौथ का व्रत भी रख लेते होंगे कुछ बच्चे एग्जाम मजाक कर रही हूँ ठीक है बट बिना पानी के बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना एयर बिना सांस लिए क्या सर्वाइव कर सकते हैं नहीं कर सकते ठीक है समझ आ गए तो ये क्या बात करूं एनवायरमेंट है एनवायरमेंट हमें ये रिसोर्सेज देता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है इसके बिना हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे तो वही है एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंट मींस एब्सेंस ऑफ लाइफ अगर एनवायरमेंट नहीं है तो हमारी लाइफ भी नहीं है क्योंकि एनवायरमेंट है जो हमें ये सब चीजें देते हैं अगर ये सब नहीं तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते ठीक है थीके? चले आगे चले जीत और हम फायदे बात करते हैं नेक्स्ट है बेटा आपका

ऊपर मिट्टी से उसको कवर तो के अपने अंदर सारा सारे सारे वेस्ट को क्या कर लेते हैं लेते। तो वही है चाहे वो प्रोडक्शन का वेस्ट हो चाहे वो कंजप्शन एक्टिविटी से कोई भी वेस्ट जनरेट हो प्रोडक्शन है कंजप्शन एक्टिविटी जनरेट वेस्ट बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं तो जो भी कंज़म्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी से वे जनरेट होता है वो अपने अंदर क्या कर लेता है, कर लेता है. तो है, उस, उस है अपने अंदर समा लेते हैं नेक्स्ट है एनवायरमेंट एनहेंसिज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एनवायरमेंट है जो हमारी हमारी लाइफ को बहुत सुंदर बना देता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है क्योंकि एनवायरमेंट ही है जो हमें रिवर देता है ओशियंस देता है माउंटेन डेजर्ट्स फॉरेस्ट ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है एनवायरमेंट से मिलती है देखो आप लोग जानते हो आप घूमने फिरने जाते ये हो देख लो झरना ये क्या हमें किसने दिया है ये एनवायरमेंट ने तो दिया कितना तो सुंदर लग रहा है झरना ये एनवायरमेंट ही तो है जो हमें ये सारी चीजें देता है हम लोग घूमने फिरने जाते हैं या कभी छुट्टियों में या कभी भी जाते हैं अपने आप को रिलैक्स करने काम करने है ना कहाँ कहाँ जाते हैं जैसे रिवर्स ओशन ये जो भी आ, जो भी पानी वाले इलाके वहां जाते हैं माउंटेन्स हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं राजस्थान वगैरह ये सारी जगह जाते हैं अपने आप को शांत करने अपने आप को एक आ, रिलैक्स करने है ना स्ट्रेस को कम करने हर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ है यार आज के टाइम में अपना स्ट्रेस कम करने के लिए तो ये सारी चीजें किसने दी एनवायरमेंट ने तो दी है, है हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं कलर भरते हैं हमारी जिंदगी में है ना चलिए जी

मतलब सबको कैरी करता है एनवायरमेंट क्या है ये मालूम अगर आपको फोटो दिख पा रही हो ये एनवायरमेंट है जो, जो सबको कैरी कर रहा है बर्ड्स को प्लांट्स को पानी भी दिख रहा होगा आपको ये क्या है एनवायरमेंट जो सबको कैरी करता है अपने अंदर सबको कैरी करता है एनवायरमेंट पे सब है ना तो एनवायरमेंट क्या सबको कैरी करता है सबका बोझ उठाता है ठीक है मतलब सबको कैरी करता है नेक्स्ट क्या है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी एनवायरमेंट क्या है जो वेस्ट को भी एबजॉर्ब कर लेते हैं एनवायरमेंट में एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है यानी अपने अंदर सारा का सारा कचरा सारा का सारा वेस्ट जो है वो एबजॉर्ब कर लेते हैं चाहे वो प्रोडक्टिव वेस्ट हो चाहे वो कंजम्पन वाला वेस्ट हो सारे के सारे वेस्ट को क्या कर लेते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये दो टाइप्स ये दो हम कैपेसिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं एक होता है कैरिंग कैपेसिटी एक होता है एब्जॉप्टिव कैपेसिटी चलिए आगे हम पढ़ते हैं बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं चलिए जी सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यूएबल का मतलब क्या है आपने कभी सुना रिन्यू करना रिन्यू मतलब जिसको आप बारी बारी यूज कर सकते हैं रिन्यूएबल मतलब रिन्यू है ना रिन्यू मतलब जिसका बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे अगर आपने सुना हो

खत्म नहीं होंगे वो क्या होते हैं बेटा आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज दूसरी तरफ हम चले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है यानी ऐसे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल का मतलब समझा है रिन्यूएबल का मतलब क्या है जिसको रिन्यू करा सकते हो यानी बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हो नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको बारी बारी इस्तेमाल नहीं कर सकते यानी बारी बारी यूज करने के बाद वो क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको बारी बारी इस्तेमाल करने पर खत्म नहीं होंगे ये ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम बारी बारी इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे ठीक है चलिए तो एक बार मीनिंग चलते। so, resources, resources करने पे बारी -बारी करने परिप्लेटेड मतलब खत्म नहीं होंगे, होंगे। यानी ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम बारी बारी इस्तेमाल करने पर भी खत्म नहीं होंगे जैसे कि एग्जाम्पल सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिली वो नहीं होंगी वॉटर एनर्जी uh, जो पानी से मिली विंड एनर्जी हवा से जो मिली तो so, ऐसी है, या अगर मैं बात करूं ऐसे रिसोर्सेज है जिसको हम जितना मर्जी इस्तेमाल करने बट वो फिर भी खत्म नहीं होंगे नेक्स्ट क्या बेटा नॉन रिन्यूएबल मतलब बारी बारी इस्तेमाल करने पर ही खत्म हो जाते हैं सो दीज आर द रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज विच आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड जो खत्म हो जाते हैं ऑन यूज बारी बारी इस्तेमाल करने पर ही क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं जैसे कि कोल है क्या कारण है कि हमारे एनवायरमेंट को इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है हमारे एनवायरमेंट में क्या एनवायरमेंट की क्या कारण है एनवायरमेंट क्राइसिस की तो बेटा इन सबको समझने से पहले इन कारणों को समझने से पहले हम एक बार समझते हैं एनवायरमेंट क्राइसिस है क्या 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 एनवायरमेंट क्राइसिस हो रही है हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या एनवायरमेंट क्राइसिस हो रही है पहले हम उसको समझेंगे एंड देन हम इस टॉपिक पे आएंगे ठीक है जी पहले पहले एक बार वो वाले टॉपिक्स करते हैं 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 एंड देन हम इस पे आते हैं. तो सबसे देख लेते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता वॉट इज ग्लोबल वार्मिंग साइंस में पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग धरती का तापमान एकदम बढ़ जाना Rise in इन temperature ऑफ earth, धरती का तापमान बढ़ जाना उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग अगर आप ये देखो ये हमारी धरती है कितनी अच्छी लग रही है ना ठंडी अब धरती का तापमान बढ़ जाना आग बबूला हो रही है, है ना आग बबूला हो रही है तो धरती का तापमान बढ़ जाना एकदम से राइज इन ऑफ अर्थ उसी को हम क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इट मीन राइज इन देशर ऑफ अर्थ तो इसी को हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं अब बात ही करते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि क्या कारण है कि इतनी गर्मी बढ़ रही है इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी धरती का तो क्या कारण है सबसे पहला कारण क्या है पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है है ना? कितना पॉल्यूशन हो रहा है एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है बहुत सारे कारण है पॉल्यूशन की जो हम आगे बात करेंगे कितना ज्यादा हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है ये कारण है कि धरती का तापमान एकदम से बढ़ रहा है गर्मी बहुत बढ़ रही है दूसरा डिफोरेस्टेशन है डिफोरेस्टेशन का मतलब था पेड़ पौधे बहुत कट रहे हैं यार हमारे एनवायरमेंट में है ना लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं सेल्फिश हो गए अपने फायदे के लिए है ना कुछ लोग बिजनेस पर्पज के लिए उसको बेचते हैं लकड़ को पैसा कमाते हैं पेड़ पौधे काट रहे हैं लोग अपना वहाँ घर बना रहे हैं इंडस्ट्रीज वगैरह खोल रहे हैं तो लोग पेड़ पौधे बहुत काट रहे हैं अब खुद बताओ पेड़ पौधे क्या है पेड़ पौधे वो जो हमें छाव देते हैं जो हमें ठंडक देते हैं है ना जो एनवायरमेंट uh, के जितने भी हार्मफुल गैसेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सीओ को एब्सॉर्ब कर लेते हैं सीओ टू को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन देते अब पेड़ पौधे जो हमें ठंडक देते हैं हमें जो छाप देते हैं अगर वो इतने नहीं रहेंगे तो बताओ धरती का टेम्परेचर तो अपने आप ही बढ़ेगा ना गर्मी तो अपने आप आएगी क्योंकि वही पेड़ पौधे हमें ठंडक देते हैं अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा धरती का तापमान बढ़ेगा बस वही है कि पेड़ पौधे बहुत काट रहे हैं ये रीजन है है ग्लोबल वार्मिंग अब उससे इंपैक्ट क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट होता है तो सबसे पहले इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं अगर आप देखोगे ये जो बियर है पोलर बियर है ना ये जो भी है ठीक है, है। अब आप देख रहे हैं जो ग्लेशियर्स है वो क्या हो रहे हैं पिघलते जा रहे हैं इतनी गर्मी है कि ग्लेशियर्स तक पिघलते जा रहे हैं अभी देखो पिघलते जा रहे हैं तो पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं पिघल रहे बर्फ सी जो है पिघल रही तो पानी में कन्वर्ट हो रहा है लेवल ऑफ तो सी की सी का लेवल बढ़ता अब बढ़ता जा रहा है अब बेचारा बियर ये ना हो कि बिल्कुल ही मेल्ट हो जाए वो बेचारा पानी में गिर जाए देख पा रहे हो समझ गए ना क्या बोल रही हूँ तो वही ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं सी का लेवल इस वजह से क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है तीसरा थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ इतनी ज्यादा गर्मी इतना ज्यादा धरती का तापमान बढ़ रहा है ना कि एक ह्यूमन की लाइफ को भी थ्रेट है इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो लोगों को स्किन डिजीजेस होते हैं है ना आ, कुछ एलर्जी रैशिज ये सारी प्रॉब्लम जो है एक ह्यूमन को फेस करनी पड़ती है एक ह्यूमन बींग को फेस करनी पड़ती है तो वही हम बात कर रहे हैं ये कुछ इम्पेक्ट्स है जो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की कि धरती का जो तापमान है इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग चलिए नेक्स्ट क्या बेटा ओजोन डिप्लीशन क्या है बेटा आपका अगला टॉपिक ओजोन डिप्लीशन समझते हैं डायग्राम से समझते हैं ये ओजोन डिप्लीशन को समझने से मतलब क्या है ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर डिप्लीट होने का मतलब क्या है? समझो ये हमारी धरती है देख पा रहे हो ये हमारी अर्थ है इस अर्थ में हम लोग रहते हैं हम धरती पे रहते हैं ठीक है धरती को ये आप देख पा रहे हो ये एक लेयर दिख रही है आपको एक प्रोटेक्टिव से लेयर ये है ओजोन लेयर ये लेयर से दिख रही है ये क्या है एक ओजोन लेयर

ठीक है सो ओजोन लेयर का क्या काम है प्रोटेक्ट करना अर्थ को फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज जो सूरज से आ रही सन से जो आ रही ठीक है जी अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है इतनी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है प्रॉब्लम पता क्या हो रही है कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है डिप्लीट होने का मतलब क्या है ये लेयर बहुत ज्यादा पतली होती जा रही है खत्म होती जा रही है ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब है ओजोन लेयर खत्म होती जा रही है ठीक है खत्म होने का मतलब है कि ये लेर बहुत ज्यादा पतली होती जा रही है या इस लेयर में होल आते जा रहे हैं जिसकी वजह से सूरज की हार्मफुल किरणें क्या हो रही है डायरेक्ट धरती पे पड़ रही है और जिससे हम हम लोग धरती पे और जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को स्किन कैंसर जैसी बीमारियां लोगों में फैल रही है डायरेक्ट यूवी रेल जो सन की वो डायरेक्ट अब धरती पे आ रही है तो लोगों को स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही है। ठीक है तो यही है ओजोन डिप्लीशन ओजोन डिप्लीशन का मतलब है ओजोन लेयर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो धरती के चारों तरफ जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका काम था सूरज की हार्मफुल किरणों को धरती तक आने से रोकना कि हार्मफुल किरणें धरती तक ना आए ठीक है ना यूवी रे से प्रोटेक्ट करना ये क्या रही है डिप्लीट होती जा रही है खत्म होती जा रही है पतली होती जा रही है इसके लिए या फिर होल आता जा रहा है जिसकी वजह से जो सूरज के हार्मफुल यूवी रेज है वो डायरेक्टली धरती पर पड़ रहे है ठीक है समझ गयो सिंपल सी बात है अगर आपने देखा होगा आज के टाइम में लोग सनस्क्रीन वगैरह बहुत लगाते हैं क्यों ताकि यूवी रेस जो सूरज के हार्मफुल किडनी वो डायरेक्ट उनकी स्किन पे ना पड़े लोग लगाते हैं ना अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए टैनिंग वगैरह से या जो भी ठीक तो है जी चलिए जी तो भाई ये ओजोन डिप्लीशन एक बार मतलब समझ लेते हैं ओजोन डिप्लीशन क्या हो रही है ओजोन लेयर का डिप्लीट होना रिडक्शन होना का. So, क्या है? का मतलब कि जो है जो एटमोसफेयर में ये जो प्रोटेक्ट करती है धरती को फ्रॉम यूवी रेस जो सूरज से आ रही है हार्मफुल यूवी रेस जो सूरज से आ रही है उससे प्रोटेक्ट कर रही है अभी डिप्लीट होती जा रही है पतली होती जा रही है इसमें होल आता जा रहा है ठीक है जी अच्छा इससे इंपैक्ट क्या होता है पहले इंपैक्ट बात करते हैं अब इससे हो क्या रहे? अभी पतली होती जा रही है, होल आ रहा है तो डायरेक्ट जो यूवी रेज है वो जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन है वो डायरेक्ट धरती पे आ रही है जिससे लोगों को स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है तो भैया ग्रेटर यूवी रेडिएशन जो यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्टली अब धरती पे आ रही है अर्थ पे आ रही है विच इज डेंजर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है हम जैसे लोगों की और इससे स्किन कैंसर जैसे लोगों को बीमारियां भी होती है ठीक है जी अब बात ही करते हैं कि ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है ये पतली होती जा रही है या फिर इसमें होल आता जा रहा है ये क्यों रिडक्शन क्यों खत्म होती जा रही है ओजोन लेयर तो इसका कारण क्या है तो सबसे पहला एक्सेसिव यूज ऑफ ध्यान समझिए दिस अकर्स ड्यू टू क्या कारण है कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है खत्म होती जा रही है इसका कारण है एक्सेसिव यूज ऑफ सी एफ सी जिसको हम क्लोरो भी बोलते हैं सी एफ सी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है किसमें यूज हो रहा है कूलिंग सब्सटेंस जैसे कि ए सी में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वगैरह हर घर में आज के टाइम में ए सी और फ्रिज है ठीक है उसमें एक ए सी और फ्रिज में सी एफ सी का एक ये कूलिंग सब्सटेंस होता है सी एफ सी

फायर एक्सटिंक्शन इसमें जो है ब्रोमो फ्लोरो कार्बन का यूज होता है हेलोन्स ठीक है इससे भी जो है जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है तो यही कारण है ओजोन लेयर का डिप्लीट होने का रिडक्शन होने का पहला जो है वो क्या कारण है सी का जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं दूसरा जो है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन जिसको हम हैलोस भी बोलते हैं सी एफ सीज का कहां पे एक्सेसिव यूज हो रहा है एसी रेफ्रिजरेटर में और इसको फायर uh, एक्सटिंगशन में जो है इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है यही कारण है कि ओजोन लेयर जो है आज हमारे uh, बहुत ज्यादा डिप्लीट होती जा हो रही है रिडक्शन हो रहा है ओजोन लेयर का ठीक है चले आसान था चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा कुछ और प्रॉब्लम्स uh, की हम बात करेंगे प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया क्यों क्यों हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है इसके क्या क्या कारण है क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं तो इसमें हम चार चीजें पढ़ेंगे एक है आपका डिग्रेडेशन ऑफ लैंड दूसरा है हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तीसरा लॉस ऑफ बायोडावर्सिटी और चौथा आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक एक करके सबको पढ़ते हैं कि हमारे एनवायरमेंट डिग्रेड क्यों हो रहा है क्या क्या चीजें हो रही है एनवायरमेंट तो सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन का दूसरा पॉल्यूशन बहुत और रहा एनवायरमेंट में तीसरा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी चौथा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है तो एक एक करके समझते हैं सबसे पहला क्या आपका डिग्रेडेशन ऑफ लैंड लैंड डिग्रेडेशन जिसको हम बोल देते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड या फिर लैंड डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड या फिर लैंड डिग्रेडेशन इसका मतलब क्या है लैंड डिग्रेड कर रही है इसका मतलब है कि जो सोय अगर मैं बात करूं जो फर्टिलिटी है लैंड की जो लैंड की फर्टिलिटी है वो खत्म होती जा रही है लॉस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो एक लैंड की फर्टिलिटी उपजाऊता है वो क्या हो रही है खत्म होती जा रही है आज जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है उपजाऊता उस लैंड की खत्म होती जा रही है उसी को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है लॉस इन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एक ही बात है लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड Which occurs due to inappropriate land use, जो यूज आप जमीन का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो इस वजह से जो है फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है उपजाऊता जो है जमीन की वो क्या होती जा रही है खत्म होती जा रही ठीक है खत्म होती जा रही अगर आप ये देखो जमीन ये किसान परेशान है कि उपजाऊता ही खत्म है पे फसल नहीं हो पा रही ठीक है क्या कारण है अब हम बात करेंगे क्यों फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है वो खत्म होती जा रही उपजाऊता जो है जमीन की वो खत्म होती जा रही है जमीन बंजर होती जा रही है क्या कारण है ठीक तो है तो सबसे पहला क्या कारण है एक्सेसिव देखो ये एक, खा रहे, खा रहे, तो एक के कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेसिव ग्रेजिंग बहुत ज्यादा जब घास निकाली जा रही है या जो भी है तो इससे भी जो है लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाती है खत्म हो जाती है और एक टाइम के बाद वो ऐसी हो जाती है ठीक है जी एक्सेसिव बहुत ज्यादा ग्रेजिंग करने पर दूसरा है

जो खेत है जो लैंड है ऊपर की जो टॉप मोस्ट सोयल है जिसके ऊपर सारे न्यूट्रंट्स है इस जमीन के ऊपर बहुत सारे सोयल है इस जमीन पे सोयल है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत ज्यादा जरूरी है फसल को उगाने के लिए एक फर्टिलिटी मतलब एक फसल को उगाने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है अब विंड आई तो सारे के सारे जो टॉप मोस्ट लेयर थे वो उड़ गए जिसमें सारे न्यूट्रेंट्स है वो उड़ गए तो इससे क्या आ जाएगी जमीन बंजर हो जाएगी

ठीक है समझ गए कि सॉइल इरोजन हो रही है ठीक है किसकी वजह से स्ट्रांग विंड की वजह से और फ्लड की वजह से नेक्स्ट तीसरा है एल्कनिटी एंड सेलिनिटी ऑफ सोयल कोल्स बाय वाटर लॉगिंग एल्का लिनिटी का मतलब क्या है कि जो आपकी सोयल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो रही है सोयल बहुत ज्यादा एसिडिक हो रही मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एसिडिक एसिडिक सोयल बहुत ज्यादा एसिडिक हो रही है सेलिनिटी का मतलब होता है बेटा जो आपकी सॉयल है वो बहुत ज्यादा सोल्टी हो रही है बहुत ज्यादा एसिडिक हो रही है सॉयल और बहुत ज्यादा सोल्टी हो रही है सॉयल किसकी वजह से वाटर लॉगिंग की वजह से वाटर लॉगिंग का मतलब है एक जगह जो जो जमीन है उसके ऊपर पानी टिका हुआ है रुका हुआ पानी जैसे मान लो फ्लड आया फ्लड की वजह से पानी रुक गया जो भी ले लो पानी रुक गया अब उसकी वजह से जो सोयल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक और बहुत ज्यादा सोल्टी हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि वाटर लॉगिंग होता है पानी टिका हुआ है अब जो टॉप मोस्ट सॉयल है गिली होगी वो पानी उसके ऊपर है गिली होगी वो कितनी गिली हो जाएगी गिली हो जाएगी तो वो क्या करती है जो टॉप मोस्ट है वो सारे के के सारे 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 न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स है है ना सारे सक कर ऑल द जो बहुत ज्यादा जरूरी फसल को गाने के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेगी सक कर लेगी और यही कारण है कि फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है लैंड की और इसका और दूसरा क्या इससे जो है आपकी जो सोयल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक और सोल्टी हो जाती है तो भाई हम बात कर रहे हैं कि सोयल बहुत ज्यादा एसिडिक और सोल्टी हो जाती है कई बार वाटर लॉगिंग से कि पानी एक जगह रुक गया जो जो टॉप मोस्ट सॉयल है जो सारी सोयल है टॉप मोस्ट सोयल है ज, जो ठीक है वो क्या कर लेती है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को सकअप कर लेती है सकअप कर लिया सारे न्यूट्रिएंट्स इसकी वजह से क्या होगा फर्टिलिटी जो है खत्म होगी न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ही फसल हो ना फर्टिलिटी ऑफ प्लांट खत्म हो जाती है इसकी वजह से कम हो जाती है खत्म हो जाती है ठीक है और इसकी वजह से जो आपकी है वो बहुत ज्यादा एसिडिक और बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाती है तो भैया एक्सेसिव वाटर लॉगिंग जब बहुत ज्यादा पानी एक जगह खड़ा हो जाए तो उससे होता क्या है जो टॉप ऑफ सोल होती है जो टॉप मोस्ट सॉयल होती है जो बहुत जरूरी है, क्या है? है, है nutrients. ये nutrients नहीं होंगे, तो फसल कैसे होगी ठीक है तो वही है इसी के कारण जो फर्टिलिटी है सोइल की फर्टिलिटी uh, है जो लैंड की वो क्या हो जाती है खत्म हो जाती है रिड्यूस हो जाती है नेक्स्ट फॉरेस्ट फायर आग लगी फॉरेस्ट में तो इससे भी लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी खत्म हो जाएगी बिल्कुल आग लगी फॉरेस्ट में तो फर्टिलिटी जो है खत्म हो जाएगी लॉस हो जाएगी फर्टिलिटी ठीक है तो बस वही है लैंड डिग्रेड हो जाती है नेक्स्ट इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन आप बारी बारी क्रॉप को रोटेट नहीं करें क्रॉप रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए मान लो एक टाइम पे आपने आपने कुछ और आपने कुछ और और फसल फसल लगाई दूसरी बार लगाई तो क्रॉप रोटेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इससे सोयल की हेल्थ मेंटेन रहती है फर्टिलिटी जो है बढ़ती है इससे अगर आप अगर आप क्रॉप रोटेट नहीं कर रहे हो तो इससे भी सॉयल की हेल्थ क्या होगी इंपैक्ट होगी नेक्स्ट इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रो केमिकल्स एग्रो मतलब एग्रीकल्चर में जो बहुत ज्यादा हार्श केमिकल्स आप यूज कर रहे हो केमिकल

नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट पॉइंटिव एक्सट्रेक्शन लोअरिंग द दॉटर लेवल एंड चैलेंजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड अगर हम लैंड है मान लो ये लैंड है अगर आप बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा वाटर को ट्यूबवेल वगैरह का यूज करके आपको पता ना जमीन के नीचे भी पानी होता है अगर ट्यूबवेल ट्यूबवेल वगैरह का यूज करके आप बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल रहे हो तो इससे क्या होगा ग्राउंड वाटर में जो पानी है जमीन के नीचे पानी कम बचेगा जिससे क्या होगा लोअरिंग द वॉटर लेवल जमीन के नीचे पानी कम बचेगा और उसकी वजह से क्या होगा फर्टिलिटी ऑफ लैंड उसकी वजह से भी क्या हो जाती है खत्म हो जाती है एंड चैलेंजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लैंड इसकी वजह से जो लैंड है वो ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा फसल ज्यादा प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड भी इससे क्या होती है इंपैक्ट होती है ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाती तो वही बात कर रहे हो क्या बात कर रहे हो दोबारा से एक्सेसिव एक्सट्रेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर कि आप जमीन से जमीन के नीचे से बहुत ज्यादा पानी निकाल रहे हो ट्यूबवेल वगैरह का यूज करके तो जमीन के नीचे पानी कम बचेगा पानी कम बचेगा तो इससे फर्टिलिटी खराब होगी फर्टिलिटी ऑफ लैंड मतलब फर्टाइल उपजाऊता कम होगी लैंड की और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी कम होगी बस भैया

है सीओ टू वगैरह डालना तो ये क्या होता है जिससे हमारा एनवायरमेंट क्या करता है पोल्यूट करता है तो पॉल्यूशन क्या है इंजेक्टिंग ऑफ हार्मफुल 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 सब्सटेंस 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 द में को बहुत ज्यादा जैसे जो है उसको इंजेक्ट करना डालना एनवायरमेंट में उसी को हम क्या कहते हैं पॉल्यूशन कहते हैं कुछ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है पहला हम क्या करेंगे एयर पॉल्यूशन दूसरा हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन और तीसरा हम पढ़ेंगे नॉइस पॉल्यूशन तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन एयर क्यों दूषित हो रही है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है एयर पॉल्यूशन सबसे पहले जो धुआं निकाल रहे हैं स्मोक रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा धुआं निकाल रहे हैं आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती है तो कितना धुआं अगर आप ये देखो ये इंडस्ट्रीज के द्वारा कितना धुआं निकल रहा है कितना स्मोक निकल रहा है तो इससे कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है नेक्स्ट पॉइजनस गैस रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ प्लास्टिक एंड लेदर प्लास्टिक और लेदर को जब हम बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है ये आपको बताइए तीसरा जो वाहकल जो नंबर ऑफ वाहकल आजकल बढ़ गए हैं है ना हर किसी को अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी लेके जानी है शो ऑफ करना है उससे कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है आजकल कोई भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने को तैयार नहीं है मेट्रो बस वगैरह लगा लो यार बस वगैरह से चले जाओ अगर अकेले जा रहे हो तो क्या जरूरत है गाड़ी लेके जाने की अकेले बंदे को बस ले लो मेट्रो ले लो बट नहीं सबको शो ऑफ करना है अपनी पर्सनल कार है वो हम लेके जाएंगे तो कितना ज्यादा एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है कितना ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है तो इसकी वजह से अब इतना ज़्यादा जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उससे क्या इफेक्ट होता है क्या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम अस्थमा जैसी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी लंग्स से रिलेटेड कार्डियोस्कुलर प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड होती है लोगों को अगर आप ये देख पा रहे हो गो इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है लोगों को बीमारियां होती है समझ गए चलिए नेक्स्ट है बेटा वॉटर पॉल्यूशन कि वाटर क्यों इतना ज्यादा हमारा जो है दूषित हो रहा है क्या कारण है कि वाटर इतना ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है तो सबसे पहला क्या कारण है डोमेस्टिक सीवेज मर्ज विद द स्ट्रीम्स एंड रिवर डोमेस्टिक सीवेज जो है मिल जाए जब स्ट्रीम्स और रिवर से अगर साफ पानी अगर ये आप देख पा रहे हो कितना साफ पानी गंदा पानी साफ पानी के साथ मिल जाए डोमेस्टिक सीवेज जो गंदा पानी जो है साफ पानी के साथ मिल जाए तो वो भी इसको दूषित कर देगा गंदा कर देगा साफ ग, आ, देखो गंदा पानी साफ पानी के साथ मिलेगा तो क्या होगा साफ पानी भी खराबी हो जाएगा मानते हो बस वही प्रॉब्लम हो रही है कि डोमेस्टिक जो सीवेज है ठीक है सीवेज जो वेस्ट है सीवेज का जो गंदा पानी है वो स्ट्रीम्स रिवर्स में जाके मिल रहा है इसकी वजह से वो सारी क्या हो रही है वाटर पॉल्यूट हो रहा है ठीक है समझ गए दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज है आज के टाइम में जितना भी वो गंदे गंदे केमिकल कितने हार्श केमिकल यूज करती है वो डायरेक्ट पानी में डाल देती है रिवर्स में डल जाते हैं इंडस्ट्रियल का वेस्ट एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स होगी या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो भी वेस्ट है ठीक है जी मिक्स विद पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में डाला हुआ है फ्लोइंग इनटू द स्टीम्स एंड रिवर कई बार जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है जिसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स है वो पानी के साथ मिल जाते हैं तो उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है नेक्स्ट थर्मल पावर हाउसेस जो क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है अगर आपने सुना हो थर्मल पावर प्लांट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है है ना कोल वगैरह का यूज करके या बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके वो क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ये जो थर्मल पावर प्लांट्स है जब वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही होती है तो बहुत सारे एशिज रिलीज होती है इन थर्मल पावर प्लांट्स से बहुत सारे एशिज रिलीज होती है और वो जब पानी के साथ मिक्स हो जाती है तो उससे भी बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है तो ये कुछ कारण है वाटर पॉल्यूशन के आप इसमें इसके अलावा कुछ और भी चीजें लिख सकते हो अगर

निकालते हैं हॉर्न है ना पै 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 ठीक है अभी देखो ये कि इंसान कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है ना कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया जैसे कि लाउड स्पीकर का हो गया ऊपर से व्हीकल मेट्रो का शोर पता नहीं कितना शोर आ रहा है

साउंड uh, क्रिएट करती है जिससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है डी वगैरह जो शादी में डी वगैरह होते हैं उससे कितना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है बुज़ुर्गों को मुश्किल होती है रात में सोने में बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है नॉइज़ पोल्यूशन जिनको uh, लोगों को कई बार हीरिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाती है इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होने की वजह से नेक्स्ट लाउड स्पीकर वगैरह से कितना ज्यादा क्या no, uh, कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन होता है आपको पता ही है लाउड स्पीकर अगर आप देखते हो ऑटोज़ uh, पे लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या सेल 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 ऑटोज या आ, क्या कहते हैं दूसरा रिक्शे वगैरह पे आप देखते हो ना एडवर्टाइजमेंट करते जाते हैं माइक लेके बोलते जाते हैं लाउड स्पीकर से तो कितना ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है इससे भी है ना कितना ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है लाउड स्पीकर वगैरह से भी चलिए नेक्स्ट अच्छा क्या हमने बात कर ली हमने दो टॉपिक कर लिया की एनवायरमेंट क्यों डिग्रेड हो रहा है क्या क्या प्रिंसिपल चीजें हैं जो हमने बात कर ली हमने

लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब वे बेचारे अपना घर बार उनको उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है उनके पास खाने के लिए नहीं है हैं उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है अब क्या कारण है कि जिसकी वजह से एनिमल्स वगैरह जो हैं वो अपना हैबिटेट खो खो रहे हैं बेचारों के पास कोई घर बार नहीं है मतलब वो कहीं कहां रहे क्या खाएं उनको वो समझ नहीं आ रहा ठीक है इस चक्कर में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे ये जो जानवर है ठीक है तो क्या कर रहे हैं तो जरूरतें भी उतनी ज्यादा बढ़ गई अब लोगों की जरूरतें बढ़ गई अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो घर भी चाहिए तो इसलिए लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं जंगलों को सफाया कर रहे हैं ठीक है जंगलों को सफाया कर रहे हैं है, वहां पे अपने घर बना रहे हैं इंडस्ट्री वगैरह बना रहे हैं है ना अर्बनाइजेशन हो गया है आज के टाइम में तो जंगलों को सफाया किया जा रहा है वहां पे लोगों के घर इंडस्ट्रीज पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें बनी जा रही है समझ रहे तो अब जंगल सफाई हो रही है तो बेचारे ये कहा रहेंगे जंगल ही तो है जहां पे इनका घर है ये कहा रहेंगे वो ये क्या खाएंगे ठीक है यही दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड लैंड डिग्रेड हो रही है फर्टिलिटी ऑफ लैंड उपजाऊता खत्म होती जा रही है बंजर होती जा है जारी जारी जमीन अगर जमीन बंजर है तो क्या खाएंगे क्या चरेंगे समझ रहे हो देख रहे हो बंजर है जमीन जमा क्या खाएं ठीक है पेड़ पौधे लोग काट रहे हैं डिफोरेस्टेशन इतना सेल्फिश हो गए लोग आज के टाइम में डिफोरेस्टेशन दो पैसे कमाने के लिए पेड़ पौधे बहुत ज्यादा काट रहे हैं स्पेशली गरीब लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं वुड का यूज कर रहे हैं बेच रहे हैं पैसा कमा रहे हैं गरीब लोग वुड का यूज कर रहे हैं खाना वगैरह बनाने में खुद के उस पे क्योंकि सिलेंडर वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते वो ठीक है तो पेड़-पौधे काट रहे हैं अब पेड़-पौधे नहीं होंगे तो आप खुद सोचो ये ये खाएंगे क्या रहेंगे कहां जंगल सफाया कर रहे हैं लोग देख रहे हो पेड़-पौधे कट गए कहां रहेंगे भाई ये खाएंगे क्या जमा बंजरों की जमीन जमा तो वही है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की भाई जो जो जानवर है उनके पास एक हैबिटेट नहीं है जंगल सफाइया हो रहे हैं वो रहेंगे क्या वो खाएंगे क्या वो प्रॉब्लम आ रही है चलिए जी नेक्स्ट है आपका लास्ट जो था आपका एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि वेस्ट को भी मैनेजमेंट करना चाहिए नहीं होता हमारे उसमें एक ही डस्टबिन में सब टाइप का वेस्ट डाल देते हैं रिसाइकेबल वेस्ट भी प्लास्टिक भी उसमें पेपर भी उसी में चाहे वो डिकम्पोजेबल है नॉन डीकम्पोजेबल सारा वेस्ट एक ही में डाल देते हैं जो कि गलत बात है उसको अलग अलग, 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 अलग डस्टबिन प्लास्टिक में हो जो चीजें तो अलग अलग जो वेस्ट है वो अलग अलग उसमें होना चाहिए डीकम्पोजिबल तो वाला अलग जो नहीं हो पाता उसको अलग जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है उसको अलग डालना चाहिए ठीक है तो सॉलिड वेस्ट को भी एक मैनेज करना चाहिए ठीक है जी जो नहीं होता चलिए जी तो ये भी हमने प्रॉब्लम बढ़ ली कि वेस्ट भी मैनेज नहीं होता तो ये हमने कुछ बात कर ली है से रिलेटेड कि हमारे एन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमने बात कर ली कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत है और जोन लेयर भी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रही है है ना लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है हमने बहुत सारे पॉल्यूशन बहुत है हमारे इन्वायरमेंट में है ना लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो जानवर है वो अपना घर बार मतलब उनके पास घर बार नहीं है जंगल वगैरह खत्म होते जा रहे हैं हमारे देश में तो हमने सारी बातें कर ली अब कॉजेस की बात करेंगे कि क्यों हो रहा है एनवायरमेंट जो इतनी ज्यादा एनवायरमेंट की क्राइसिस हो रही है वो क्यों हो रहा है क्या कारण है कि एनवायरमेंट पे इतनी ज्यादा क्राइसिस हो रही है क्या कारण है

वाइड स्प्रेड ऑफ पुवर्टी गरीबी बहुत बढ़ रही है देश में इतनी ज्यादा गरीबी बढ़ रही है कि लोग क्या कर रहे हैं पेड़ पौधे काट रहे हैं पेड़ काट रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं पैसा कमा रहे हैं लकड़ों का यूज करके वो अपने घर में क्या कर रहे हैं खाना वगैरह बना रहे हैं क्योंकि एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं उसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं हमारे तो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है या खुद सोचो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी भाई एक जमाना वो ना आ जाए कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमने पड़े कोरोना के टाइम पे देखा था ना मास्क लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पता है वो ना आ जाए कि मास्क लगा के और लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ जाए ये हालत ना आ जाए अगर इतने ज्यादा पेड़ पौधे काट देंगे हम बहुत जरूरी है पेड़ पौधे पेड़ पौधे है जो सारा सारा पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मतलब जो हार्मफुल गैसेस है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सी को एब्जॉर्ब कर लेते हमें ऑक्सीजन देते हैं हमें छाप देते हैं ठीक है बहुत जरूरी है पेड़ पौधे चलिए जी नेक्स्ट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन शहरी इलाके बढ़ते जा रहे हैं अब शहरी इलाके बढ़ते जा रहे हैं जंगल सफाई होते जा रहे हैं वहां पे लोगों की जा रही है घर बनते जा रहे हैं मॉल्स वगैरह बनते जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उस पे बनता जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लग गया तो जंगल सफाई कर रहे हैं पेड़ पौधे काट रहे हैं डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से जो एनिमल्स है वो अपना हैबिटेट खो रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हो रहा है डिफोरेस्टेशन कितनी प्रॉब्लम तो हम वही बात करें एनवायरमेंट क्या क्या क्राइसिस आ रहे नेक्स्ट इंक्रीज्ड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर हम बहुत ज्यादा क्या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज होने लगे ताकि प्रोडक्शन बढ़े इससे लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही है लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से हमने सारी चीजें पढ़ ली है क्या-क्या प्रॉब्लम्स है अब कारण की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है नेक्स्ट इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है अब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज करती है जिससे एयर पोल्यूशन होता है अपना जो केमिकल जो है वो पानी में डिस्पोज ऑफ कर देते जिससे वाटर पोल्यूशन है ठीक है जो केमिकल वेस्ट है इनका जो वेस्ट है वो पानी में डल जाता है तो वाटर पोल्यूशन होता है मशीनें जो इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करती है जिससे नॉइज पॉल्यूशन होता है ठीक है आगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट वहीकल बहुत बढ़ गया भाई हर किसी को एक अपनी गाड़ी चाहिए पर्सनल गाड़ी चाहिए इधर से उधर जाने में

या गाड़ी के पीछे जो सीट के जो अंदर वो होता है सीट के पीछे जो भी पॉकेट है वहां डाल लो जब बाहर जाओगे तो डस्टबिन में फेंक देना नहीं रोड्स के बाहर फेंक देते ये तो हालत है ठीक है जी वगैरह कितना नजायज हॉर्न्स ये जो बुलेट लेके फिर रहे होते हैं लोग है ना क्या बोलते हो वो मुझे नहीं पता साइलेंसर लगा लेते क्या लगा लेते तुम है ना पै वो ठट जो भी तुम्हारे फटते रहते हैं जो भी बुलेट है तुम्हारे है ना कितना शोर करते हैं वो घर बैठो इतनी जोर की आवाज आती है समझ गए तुम ज़्यादा समझदार हो वैसी। स्पीकर से कितना कितना आता है है के लिए सें, 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 सें। दुकान खुली है हमारी यहाँ पे दुकान खुली है ऑटो वाले जा रहे हैं रिक्शे वाले जा रहे हैं कितना लाउड स्पीकर पे बोल रहे हैं कितना ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से कितना ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है ठीक है तो वही है सिविक कि भाई रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो नहीं करते और ये सारे कारण है जिससे हमारे एनवायरमेंट पे क्राइसिस हो रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है ठीक है चलिए जी तो ये हमने सारे बात कर ही अच्छे से समझ ही ली है एक अगला जो टॉपिक है वो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है ठीक है चलो समझते हैं क्या है ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया जिसको हम पीसीबी बोल दे ठीक है पीसीबी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके कौन से पॉल्यूशन को एयर पोल्यूशन को वाटर पॉल्यूशन को इसको कंट्रोल किया जा सके इस बोर्ड का काम है देख करना चेक करना इंस्पेक्शन करना कि पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा ज्यादा ठीक है वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन इन सबको चेक करना कुछ एक्शन uh, लेना इसको कंट्रोल किया जा सके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके वाटर पोल्यूशन को हमारे देश में कंट्रोल किया जा सके इस बोर्ड इस का काम है ये सब करना ठीक है जो हम बात करेंगे ठीक है तो ये कब आया था सबसे पहले ईयर जरूर याद रखें 1974 में जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सेट किया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने क्या सेट किया था सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखो एक होता है सेंट्रल लेवल पे एक होता है स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल क्या होता है जिसमें सारी स्टेट्स आती है यूपी हरियाणा पंजाब सब आते हैं सेंट्रल लेवल के स्टेट लेवल का जो बोर्ड होता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाता है हरियाणा के लिए अलग बना है पंजाब के लिए अलग बना है यूपी के लिए अलग बना है वो स्टेट लेवल का होता है तो इस चीज को ध्यान देना चलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप uh, किया कब किया 1974 में किया जिसके जो दो ऑब्जेक्टिव थे दो चीजों पे वो ध्यान देता था टू मेजर मेजरमेंट कंसर्न पे दो मेजर एनवायरमेंट के दो मेजर कंसर्न्स थे उसके लिए बोर्ड्स को बनाया गया था वो कौन से दो मेजर एनवायरमेंट कंसर्न्स थे एक है एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा था और बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा था इन दो कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल पोल्यूशन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सेटअप किया

तो भाई है ना एक पर्टिकुलर स्टेट में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड तैयार किया ठीक है जी जो भी वो भी क्या करते थे एनवायरमेंट जो कंसर्नस थे एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड उसके लिए बनाए गए थे ठीक है ऑफ रिस्पेक्टेड स्टेट्स एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाया गया था हरियाणा के लिए अलग ठीक है ये स्टेट बोर्ड बनाया गया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया जो काम करती थी एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में यूपी के लिए अलग पंजाब के लिए अलग 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 स्टेट्स में बने फिर ठीक है अच्छा अब एक जो पीसीबी है द पीसीबी पीसीबी मतलब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है चाहे वो दोनों आ आगे अब इसमें चाहे वो सेंट्रल लेवल की है चाहे वो स्टेट लेवल की है उसका काम क्या है द पीसीबीज इन इंडिया मॉनिटर करती थी क्या मॉनिटर करती थी क्वालिटी ऑफ वाटर की पानी वाटर की क्वालिटी क्या है इन 125 ट्वेंटी फाइव रिवर्स वेल लेक टैंक ड्रेन एंड कैनाल में इतने सारे मतलब ये पानी की क्या क्वालिटी है इसको भी क्या करती थी चेक करती थी कि क्या पानी की क्वालिटी है, अगर है तो उसको उस पे वर्क करती थी क्या -क्या तो मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते सबसे पहले टू तो इन्वेस्टिगेट अच्छा अपनी आसान लैंग्वेज में लिख सकते हो सिर्फ समझना है आपको आप इसको अपनी ईजी लैंग्वेज में लिख सकते हो चलिए क्या है टू इन्वेस्टिगेट कलेक्ट इन्वेस्टिगे टू इनवेस्टिगेट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाटर एयर एंड लैंड पॉल्यूशन जो पीसीबी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या करती है इन्वेस्टिगेट करती है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है इन्वेस्टिगेट करती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है पानी से रिलेटेड की कितना वाटर पॉल्यूशन हो रहा है कौन कौन सी नदी है जो पॉल्यूटेड काम होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि कहाँ का पानी ठीक है कहाँ जो पानी की क्वालिटी बहुत ज्यादा बैड है तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है इन्वेस्टिगेट करती है कौन से एरियाज एर है जहाँ पे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है लैंड पॉल्यूशन है कौन से एरियाज है जहाँ पे जो जमीन है वो बंजर होगी क्या कौन कौन से एरियाज है ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है इन्वेस्टिगेट करना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है जहां पे जहां की जो नदियां हैं या रिवर्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ठीक है नेक्स्ट टू प्रिपेयर द मैनुअल्स या फिर कोड्स कोड्स मतलब रूल्स रेगुलेशन मैनुअल्स मतलब रूल्स रेगुलेशन तैयार करती थी ये ये पीसीबी ठीक है बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस तैयार करती है गाइडलाइंस वगैरह तैयार करती है फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट अगर आप देख पा रहे हो ये जो सीवेज का वेस्ट है है ना वो सीधा पानी साफ पानी में मिल जाता है तो पानी वाटर पोल्यूशन होता है, है ना यही सब होता है तो ये जो बोर्ड है बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती थी कि कैसे सीवेज वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाए खत्म किया जाए और

ठीक okay? है और जो इंडस्ट्रीज से जो बहुत गंदा पानी के थ्रू जा रहा है वे उसको उसको ट्रीट करना ये भी इसका काम था ठीक है ताकि जब वो उसको ट्रीट करना ताकि जब वो मिले तो वाटर पॉल्यूशन ना हो समझ गए पहले तो डिस्पोज ऑफ करना खत्म करना ठीक है और उसको या फिर उसको ट्रीट भी करना ट्रीटमेंट का मतलब है उसको साफ भी करना सीवेज वेस्ट को साफ भी करना इस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम था ताकि वाटर पॉल्यूशन ना हो जब वो मिले नदियों में या कहीं पे भी जाए तो वो वाटर पॉल्यूशन ना हो ठीक है चल चे टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना टेक्निक टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करती थी किसको गवर्नमेंट को ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या प्रोवाइड करती थी टेक्निकल असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन जो पीसीबी है कंट्रोल बोर्ड है ये गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करती थी किसको प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करती थी कि कैसे हमारे देश में हमारे कैसे हमारे देश में वाटर और एयर पोल्यूशन को क्या, क्या किया जाए

एक एक करके जब सब इंसान जुड़ जाएंगे ना तो धीरे धीरे हमारा एनवायरमेंट क्लीन होने लगेगा एयर पोल्यूशन खत्म होने लगेगा वाटर भी साफ होने लगेगा एक एक इंसान जब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएगा ना कि मैं मेरा जिम्मा है कि मैं बाहर कूड़ा ना फेंकू मेरा जिम्मा है मतलब अप, एक इंसान आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले दूसरों की छोड़ हर इंसान अगर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा ना हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगा ठीक है तो वही है लोगों को अवेयर भी करती थी कि कैंपेन्स वगैरह लगाती थी अवेयर करती थी कि एयर पॉल्यूशन मत करो वाटर पॉल्यूशन मत करो इसके लिए लोगों को अवेयरनेस कैंपेन्स भी निकालती थी ठीक है नेक्स्ट टू कैरी आउट इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन भी करती थी इंडस्ट्रीज की ठीक है टू कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज अंडर इट ज्यूरिंग ज्यूरिंग जूरिंग डिकेशन टू द एडिक्सी ऑफ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट आसान लैंग्वेज में बनाती है उसको आप लैंग्वेज में बना लेना कोई दिक्कत नहीं इसके अलावा ये क्या बोल रही है टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन इंडस्ट्रीज को भी इंस्पेक्ट करती थी वो इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा गैसियस बहुत ज्यादा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज आउट कर रही है बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन कर रही है या बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन कर रही है उन पर इंस्पेक्शन भी करती थी रूल्स uh, रेगुलेशन लगाती थी उस पर अगर वो इंडस्ट्रीज अगर बहुत ज्यादा एयर और वाटर पोल्यूशन कर रही है तो पेनल्टीज वगैरह भी उन पर लगाती थी तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम यह भी है इंडस्ट्रीज को जा जाके इंस्पेक्ट करना कि वो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एयर और वाटर पोल्यूशन तो नहीं कर रही है ये भी इन पीसीबी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है आसान लैंग्वेज में आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना ठीक है नेक्स्ट टू प्रोवाइड बैकग्राउंड एयर क्वालिटी डेटा क्या क्या करती थी? आ, अगर आप air quality data, air quality, की air की क्या quality है, उससे related data देती थी. किसको देती थी इंडस्ट्रीज को और टाउन शहरों के लोगों को देती थी अगर आपने देखा हो फोन में भी तो आपको गूगल भी कर लोगे अगर जिनको नहीं पता तो आपको पता ना एयर की क्वालिटी होती कि आज एयर की क्वालिटी कैसी है ज्यादा पुअर है कि ठीक है एयर पहले से कैसी है बेटर है कि बहुत ज्यादा पुअर है बीच में बहुत ज्यादा स्मोक था धुआं कितना आता था तो एयर क्वालिटी आता था ना कि बहुत ज्यादा पुअर है एयर क्वालिटी तो ये जो पीसीबी है ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एयर की क्वालिटी से रिलेटेड डेटा भी देती थी इंडस्ट्रीज को ताकि उनको भी पता चले कि हमें इससे ज्यादा जो है एयर पॉल्यूशन नहीं करना उनको भी एक देखो इंडस्ट्रीज को मिला तो उनको भी पता हम बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन करते हैं तो उनके लिए उनके लिए देती थी ताकि वो ज्यादा एयर पॉल्यूशन ना करे शहरों के लोगों को भी ये डेटा प्रोवाइड करती है ताकि लोगों को पता चले कि आज एयर की क्वालिटी कैसी है लोग अवेयर हो कि क्या क्वालिटी ऑफ एयर है ठीक है गांवों में इतनी ज्यादा जो है अगर मैं बात करूं गांवों में इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं है एयर पॉल्यूटेड नहीं जितने शहरों में ठीक है तो वही है जो एयर क्वालिटी का डेटा भी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को भी और शहरों के लोगों को ताकि उनमें भी उनको पता चले कि आज एयर की क्वालिटी कैसी है चलिए जी तो ये हमने टॉपिक कर लिया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अगला टॉपिक बहुत आसान है बहुत इजी मूवमेंट एक और, एक और भी है अपीकू मूवमेंट एक और मूवमेंट है अपीकू मूवमेंट क्या है अपीकू मूवमेंट ठीक है ये चिपकू का मतलब क्या है चिपकना हगिंग चिपकू मतलब चिपकना हगिंग करना अपीको का मतलब भी हगिंग है सेम ये चिकू का मतलब चिपकू का मतलब भी हगिंग करना मतलब पेड़ ना कटे पेड़ ना कटे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो पेड़ ना काटे तो औरतें क्या आ चिपक गई हक कर लिया उन्होंने पेड़ों को है ना अगर आप यहां देखो इस औरत ने भी क्या ये भी पेड़ से चिपक गई ताकि वो पेड़ ना काटे ठीक है तो ये मूवमेंट लेके आया गया चिप्पू मूवमेंट आया कब तक ईयर जरूर याद रख लेना जगह जरूर याद कर लेना सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है छोटी छोटी चीजें ईयर्स कहां पे लॉन्च हुआ तो ये कहां लॉन्च हुआ था उत्तराखंड में लॉन्च हुआ था 1973 में लॉन्च हुआ था ईयर्स वगैरह अच्छे से कर लेना अबिको मूवमेंट कहां पे लॉन्च हुआ था कर्नाटका में लॉन्च हुआ था और कब हुआ था नाइनटीन में हुआ था ठीक है जी अब चिपको और पीको का मतलब ही क्या होता है हगिंग करना चिपक जाना वो पेड़ों से चिपक गए थे क्यों चिपक गए थे ताकि जो, ताकि जो जो पेड़ वगैरह ना काटे लोग पेड़ ना काटे ठीक है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ट्रीज है ना ठीक है फ्रॉम फॉलिंग तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था चिपको और पीको मूवमेंट का टू प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को बचाना एंड टू सेव द ट्रीज फ्रॉम फॉलिंग ताकि लोग पेड़ को ना काटे सेव द ट्रीज फ्रॉम फॉलिंग का मतलब पेड़ों को बचाया ताकि लोग पेड़ ना काटे ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव था चिपकू मूवमेंट का और अपीकू मूवमेंट का चल चलिए था ये तो चल जी लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फिर जल्दी जल्दी इस चैप्टर को हम वाइंड अप करते हैं तो चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है मेरा बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है बड़े आसान लैंग्वेज में समझो इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज है जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से इस्तेमाल करो इस तरीके से यूज करो कि आज के लोग तो अपनी नीड्स को पूरी कर ले यानी प्रेजेंट जनरेशन है आज के जो लोग हैं वो तो अपनी नीड्स पूरी कर ले और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाए लोगों के लिए फ्यूचर में भी लोगों के लिए कुछ छोड़ के जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करना कि आज तो हम अपनी जरूरतें पूरी कर लें और फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ के जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाए ये ना कि हम सारे इस्तेमाल आज ही कर लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ना और ये ना कि दस साल बाद जो हमारे बच्चे हैं वो वो बात कर रहे हो फिर को पता है हमारे पापा के टाइम में ये भी होता था ये भी था अरे मेरी मम्मी ने बताया था उनके टाइम में ये भी था वो ना उनके लिए वो चीज़ें हिस्ट्री ना बन जाए वो हिस्ट्री में हिस्ट्री की किताबों में ना पढ़े कि दस साल पहले बीस साल पहले ये चीजें होती थी नहीं इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करो कि आज तो हम अपनी जरूरतें पूरी कर ले प्रेजेंट जनरेशन तो अपनी जो आज की जनरेशन है वो तो अपनी ज़रूरतें पूरी कर ही ले और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ जाए तो ये होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल प्रेजेंट जनरेशन प्रेजेंट जनरेशन जो लोग वो अपनी भी पूरी needs, मतलब आज के लोग भी जो प्रेजेंट जनरेशन के लोग हैं वो भी अपनी जरूरतें पूरी करें विद आउट रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स लेकिन ये नहीं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के ना

रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हमारे देश में यूज होना चाहिए रिन्यूएबल मतलब जिसको हम बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी इस्तेमाल करने पर भी ये रिसोर्सेज खत्म ना हो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी को हम किससे बनाए किससे जनरेट करें सोलर एनर्जी का यूज करके विंड एनर्जी का यूज करके वॉटर एनर्जी का यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे ना कि कोल का अब आपने देखा होगा हमारे देश में ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी वो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है कोल वगैरह पेट्रोलियम बहुत सारे फॉसिल फ्यूज इन सबको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी

इलेक्ट्रिसिटी uh, लाइट्स के कितने कट लगने लगे लग थे फिर हमने जो बाहर की कंट्री से कॉल को इम्पोर्ट किया था तो कितनी कॉल की शॉर्टेज आ गई तो वही बात कर रहे हैं कि इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करो कि आज तो जरूरतें पूरी हो जाए फ्यूचर के लिए भी छोड़ के जाए ये नहीं कि कॉल वगैरह को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ कर लो आज और फ्यूचर के लिए कुछ बचे ना ऐसा ना करो ठीक है वही हम बात कर रहे हैं तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का भी यूज़ करो इलेक्ट्रिसिटी को इनके थ्रू भी जनरेट करो ताकि जो कोल वगैरह जो है वो फ्यूचर के लिए भी बचे फ्यूचर के लोग भी उसको इस्तेमाल कर पाए चलिए नेक्स्ट क्या है यूज़ ऑफ एलपीजी बहुत सारे लोग हैं जो गांवों में लकड़ का यूज कर रहे हैं खाना वगैरह बनाने में तो वही बात करें एलपीजी का यूज करो एलपीजी मतलब सिलेंडर का गैस सिलेंडर वगैरह यूज करो खाना वगैरह बनाने में गाँव में जो है वुड का मत यूज करो क्योंकि जो वुड है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है आग लकड़ को जलाओ कितना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है क्या आप फ्यूचर के लिए पॉल्यून वाला एनवायरमेंट भेजना चाहते हो क्या आप ये चाहते हो कि, कि फ्यूचर के लोग वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाए नहीं ना पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट देना चाहते हैं हम आगे अपने जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन को अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे भी एक एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में जी सके तो हमें आज से कुछ करना पड़ेगा ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा इतना ज्यादा वुड जो है वो जला रहे कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है ठीक है तो भाई एलपीजी का यूज करो वुड का मत यूज करो ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट छोड़ के जाए ठीक है जी और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी लिया ध्यान समझ लो सीयूटी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है एक एक नंबर के क्वेश्चन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड एक इनिशिएटिव लिया उज्ज्वला योजना निकाली गवर्नमेंट ने जिसका मेन फोकस क्या था सब्सिडाइज रेट पे बहुत ही कम रेट पे जो है सस्ते रेट पे सिलेंडर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे किनको उन औरतों को जो गरीबी रेखा के नीचे आ रही है बिलो पुवर्टी लाइन वो औरतें जो गरीबी रेखा के नीचे आ रही है उन औरतों को वो जो है बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे एलपीजी यानी सिलेंडर्स बहुत ही कम रेट पे उनको सिलेंडर्स वगैरह दिए जा रहे थे ताकि वो जो औरतें हैं गाँवों की जो औरतें वो सिलेंडर का यूज करें लकड़े वगैरह वुड का ना यूज करें खाना वगैरह को बनाने में ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या सी एन जी इन अर्बन एरिया शहरों में सी एन जी का यूज होना चाहिए गाड़ियों वगैरह में या फिर बसेस वगैरह में सी एन जी का यूज होना चाहिए क्योंकि पेट्रोल डीजल बहुत कम है हमारे देश में बहुत कम है क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए आप ये छोड़ के नहीं जाना चाहते अगर आज इतना इस्तेमाल कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए क्या छोड़ के जाएंगे हम तो वही इस तरीके से यूज करो रिसोर्सेज को कि फ्यूचर के लिए भी छोड़ के जाए तो इतना ज्यादा पेट्रोल और डीजल वगैरह मत यूज़ करो सी एन जी कार वगैरह भी यूज करो सीएनजी अब लेके आओ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वगैरह यूज करो ताकि फ्यूचर के लिए हम पेट्रोल और ये सब छोड़ के जा सके समझ रहे हो वही है और इसके लिए अगर आप एक अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बड़े ध्यान समझ जो डेली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है आपको पता है ना दिल्ली की जो बसेस वगैरह होती है जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट

फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या हम पॉल्यूशन वाला एनवायरमेंट छोड़ के जाना चाहते हैं नहीं दूसरा पेट्रोल डीजल अवेलेबल भी बहुत ज्यादा कम है तो वो भी हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़नी है तो इसलिए सी का यूज करो इससे एयर पॉल्यूशन भी कम होता है सी से दूसरा फ्यूचर के लिए हम पेट्रोल और डीजल भी छोड़ पे, छोड़ के जा पाएंगे तो इससे एक तो एनवायरमेंट एयर पॉल्यूशन भी कम होता है और फ्यूचर के लिए हम एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट छोड़ के जा पाएंगे ठीक है औ, और और एग्जाम्पल की बात करूँ जो हरियाणा है हरियाणा ने भी एक सी एन जी आई है फरीदाबाद के अंदर राजस्थान भी है जिसने इंट्रोड्यूस करी है सी एन जी वो कहाँ पे जयपुर के अंदर तो वही है सी एन जी सी एन जी को यूज़ करो गाड़ियों वगैरह में इंस्टेड ऑफ डीजल और पेट्रोल क्योंकि वो बस एयर पॉल्यूशन भी करते हैं और दूसरा अवेलेबल भी कम है क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़ना है तो इन सबको यूज करो सी का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह यूज करो इलेक्ट्रॉनिक कार्स आजकल तो ये भी आगे उन सबका यूज करो चलिए नेक्स्ट क्या बेटा आपका विंड पावर विंड पावर इसका यूज करो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट अगर आपने सुना होगा बहुत ज्यादा कोल वगैरह का यूज कर रही है कोल, पेट्रोलियम या फिर जो भी, आ, जितने भी है, जिनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में अगर हम उसका इतना आज यूज कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छुटके जाएंगे तो दूसरे अल्टरनेटिव भी ढूंढो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जैसे विंड पावर का यूज करो इलेक्ट्रिसिटी को, को जनरेट करने के लिए विंड पावर क्या होता है जिसमें हम विंड टर्बाइन क्या होते हैं मूव करते इन दिड एंड जनरेट करते इलेक्ट्रिसिटी

ठीक है दूसरा ये बहुत ज्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कोल वगैरह पेट्रोलियम वो एक टाइम के बाद खत्म भी हो जाएंगे इनका यूज करो जितना मर्जी यूज करो खत्म ही नहीं होंगे इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो इससे हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट नहीं होगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट छोड़ के जाएंगे नेक्स्ट क्या है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी का यूज करो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में अगर आप देख पा रहे सोलर पैनल्स आप लोगों ने देखा होगा खेतों में जनरली देखते हैं और कुछ लोगों की घरों की छतों में भी हो होता है गांवों में होता है है ठीक सोलर पैनल्स होते हैं जैसे कि सूरज की किरणें इन पैनल्स पे पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो ये भी एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का इससे कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज नहीं होती है चल नेक्स्ट है शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग करो भाई अगर आपने सुना होगा पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया जाता था पहले कि केमिकल फर्टिलाइज पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये यूज करो जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी नो डाउट प्रोडक्शन बढ़ेगी लेकिन ये एनवायर ये अच्छा नहीं है उसे बहुत ज्यादा अगर यही वेस्ट पानी में चला जाए तो वाटर पोल्यूशन होता है ठीक है इससे सॉयल की फर्टिलिटी भी कम होती है क्या फ्यूचर के लिए हम वो लो फर्टाइल लैंड छोड़ के जाए लैंड जो जिस जो उपजाऊ नहीं है वो छोड़ के जाए वो जमीन छोड़ के जाए नहीं ना तो हेल्दी है, है जो दूसरी है वो हमारे लिए ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करो वो हमारे लिए हेल्दी है वो हमारे लिए टेस्टी है अगर आपने सुना मम्मिया बोलती है फ्रूट्स को धोके खा वेजिटेबल्स को धोके खा मम्मिया कई बार फ्रूट्स को भिगो भिगो के रखती है बहुत देर क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा छिड़काव होता है बहुत दवाइयां छिड़की जाती है आज के टाइम में बहुत ज्यादा उसको जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है कैंसर जैसी बीमारियां होती है तो वही बात कर रहे हैं कि किसाइड का कर फार्मिंग करो देसी तरीके से फार्मिंग करो बिना केमिकल डाले फार्मिंग करो इससे वो हमारे लिए हेल्दी भी होगा टेस्टी भी होगा लैंड की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी उपजाऊता बढ़ेगी उससे लैंड की फ्यूचर जनरेशन के एक अच्छी उपजाऊ लैंड छोड़ के जाएंगे हम हमारी बॉडी के लिए अच्छा है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है वो ठीक है तो वही बात कर रहे हैं तो अब वही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ क्या करो शिफ्ट करो नेक्स्ट क्या है बायो कंपोस्टिंग बायो मतलब नेचुरल तरीके से कंपोस्ट तैयार करो नेचुरल तरीके से कंपोस्टिंग करो केमिकल्स वगैरह मत यूज करो तो वही है शिफ्ट फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह से है केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज करो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चलो नेचुरल तरीके से कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है जैसे कि जो खाद बनाए उसमें क्या करें जैसे कि अगर आप मैं बात करूं यहाँ पे देखिए ये है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जा रहा है ये मत यूज करो नेचुरल तरीके से खाद बनाओ नेचुरल तरीके से खाद बनाने का मतलब यह है कि फ्रूट uh, वेजिटेबल की छिलके डालो ठीक है और इसमें और मैं बात करूं uh, और काव डंक गोबर के उपले वगैरह यूज करो वर्मी कंपोस्टिंग जो छोटे छोटे कीड़े या वोम वगैरह होते हैं इसका यूज करो ये इसका यूज करो ऐसे खाद बनाओ नेचुरल तरीके से खाद बनाओ उससे सोयल की फर्टिलिटी बढ़ेगी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं है वो उसे खाना भी टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा ठीक है तो वही बात कर रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज मत करो ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करो एक नेचुरल तरीके से कंपोस्ट तैयार करो नेचुरल तरीके से से और बड़े ध्यान समझना गवर्नमेंट ने एक मिशन भी लेके आई थी इंपॉर्टेंट कर लो सीयूटी के लिए या या ले लो जो मर्जी कह लो वन मार्क के लिए भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है सीयूटी में भी आ जाता है तो ध्यान से लें गवर्नमेंट एक मिशन लेके आई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज है स्टेप एक स्टेप लिया एक मिशन लिया ऑर्गेनिक तो फार्मिंग को तो प्रमोट करने के लिए क्या मिशन लेके आई थी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या मिशन लेके आई थी तो बड़े ध्यान से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये मिशन लेके आई थी एज पर दिस मिशन इस मिशन में उन्होंने क्या किया फार्मर्स को क्या किया ट्रेंड किया किसपे ट्रेंड किया वर्मी कंपोस्टिंग में कि कैसे वर्म्स का या फिर जो कीड़े हैं इन सब का यूज करें खाद को बनाने में इसको ट्रेन किया गया फार्मर्स को वर्मी कंपोस्टिंग में ट्रेन किया गया उनको ट्रेन किया गया कि नेचुरल तरीके से खाद कैसे बनानी है ठीक है एंड द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज ऑल्सो प्रमोटेड एज द पार्ट ऑफ दिस स्कीम अरे पीछे क्यों नहीं जा रहे ठीक है कोई नहीं चलो चला गया ठीक है द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजर वो बनाए केमिकल फर्टिलाइजर का ना यूज करे इसको भी प्रमोट किया गया कि जो फार्मर्स है नेचुरल तरीके से क्या बनाए फर्टिलाइजर को बनाए इस स्कीम के तहत तो जो एक स्कीम लेके आए थे गवर्नमेंट ठीक है ये मिशन लेके था तो वही है तो ध्यान मतलब से मतलब बायो कंपोस्टिंग मतलब नेचुरल तरीके से कंपोस्ट तैयार करो नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजर वगैरह तैयार करो इसके लिए गवर्नमेंट मिशन लेके आई थी इस मिशन का नाम ये था येलो कलर में जो लिखा हुआ है नेशनल मिशन मिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस के तहत उन्होंने क्या किया फार्मर्स को ट्रेन किया वर्मी कंपोस्टिंग में कि कैसे वो नेचुरल तरीके से खाद वगैरह बनाए ठीक है जी और बायो फर्टिलाइजर नेचुरल तरीके से जो खाद बनाया जा रहा है उसको प्रमोट किया गया कि जो फार्मर्स है इस तरीके से नेचुरल तरीके से खाद बनाए ऑर्गेनिक फार्मिंग को किया गया ठीक है जी समझ चल जी समझ चल अब बस कुछ ही रह गए नेक्स्ट बायो पेस्ट कंट्रोल अच्छा ये चीजें क्यों ये क्यों इसे हम फ्यूचर के लिए क्या छोड़ के जाएंगे एक तो देखो इससे लैंड की फर्टिलिटी बढ़ेगी और फ्यूचर के लिए हम एक उपजाऊ लैंड छोड़ के जाएंगे था, एक तरीके से यूज करो रिसोर्सेज कि हम फ्यूचर के लिए छोड़ के जाए कुछ अपनी नीड तो करें फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ के अगर हम इन सब का यूज करेंगे तो लैंड की फर्टिलिटी बढ़ेगी और फ्यूचर के लिए हम एक उपजाऊ लैंड छोड़ के जाएंगे ना कि बंजर जमीन छोड़ के जाएंगे ठीक है चलिए जी नेक्स्ट क्या है बायोपेस कंट्रोल ठीक है पेस्ट कंट्रोल का मतलब है नेचुरल तरीके से पेस्ट तैयार करो नेचुरल तरीके से पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड तैयार करो नेचुरल तरीके से पेस्ट को कंट्रोल करो मतलब अगर आपने देखा होगा ग्रीन रेवल्यूशन में क्या होता था कि पेस्टिसाइड वगैरह छिड़के जाते थे दवाइयां छिड़के जाती थी जिससे क्या होता था जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा कैंसर जैसी बीमारी होती है उनसे तभी तो मम्मिया घर पे कितनी कितनी देर फ्रूट को अच्छे से धोती है क्योंकि कितनी दवाइयां छिड़की होती है उसपे ताकि कीड़े वगैरह ना लगे वो पेस्टिसाइड डाल देते हैं उसपे वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए तो भैया नेचुरल तरीके से पेस्ट को कंट्रोल किया जाए गंदी गंदी हार्श केमिकल्स ना डालते नेचुरल तरीके से कैसे नेचुरल तरीके से करें शिफ्ट फ्रॉम केमिकल पेस्टिसाइड्स का ना यूज करो बायो पेस्ट कंट्रोल करो नेचुरल तरीके से पेस्ट को क्या करो कंट्रोल करो सेवरल टाइप ऑफ पेस्ट कंट्रोल केमिकल्स को क्या करो एक्सट्रैक्ट करो नीम से नीम से नीम से एक्सट्रैक्ट करो नीम से एक्सट्रैक्ट करो क्योंकि नीम आपको पता है हर्बल है बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है बहुत अच्छा नीम है तो नीम में कड़वा पन्न होता है ठीक है तो नीम से कोई एक्सट्रैक्ट नीम से एक्सट्रैक्ट करो कुछ एक चीजें ताकि पेस्ट को क्या किया जाए किया जा सके उसे कंट्रोल किया जा सके अगर आप देखो नीम से एक नीम ऑयल बनाया गया नीम का यूज करके नीम ऑयल बनाया गया और उसको छिड़काव किया जा रहा है फसलों पे ताकि पेस्ट वगैरह ना लगे तो वही है नीम का यूज करो ठीक है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ठीक है मिक्स क्रॉपिंग करो मिक्स क्रॉपिंग मतलब मान मतलब लो एक एक खेत है उसमें आप एक सिंगल क्रॉपिंग नहीं करें सिर्फ एक एक क्रॉप नहीं उगा रहे, दो उगा दो रहे हो, मिक्स क्रॉपिंग करो ठीक है तीसरा क्रॉप रोटेशन करो आज आपने कुछ और उगाया फिर अगली बार आप कुछ और उगा रहे क्रॉप को रोटेट करो इससे भी पेस्ट कंट्रोल रहते हैं इससे भी पेस्ट नहीं लगते शुड एनकरेज इससे क्या होगा मिनिमाइज होगा पेस्ट अटैक्स पेस्ट अटैक्स कम होंगे ठीक है इससे भी जो है पेस्ट अटैक्स जो है कीड़े का जो अटैक है वो कम होगा तो क्रोप को रोटेट करो मिक्स क्रॉपिंग करो एनिमल्स बर्ड्स इन सब का यूज करो इससे भी पेस्ट कम लगेंगे एनिमल्स जैसे कि अगर आपने देखो खेतों में क्रो लगा होता, एक लगा होता होता है है पुतला उसका यूज करो इससे भी पेस्ट कम लगते हैं कुछ लोग आउल वगैरह का यूज करते हैं कुछ लोग स्नेक्स भी यूज करते हैं स्नेक डाल देते हैं ताकि पेस्ट वगैरह कम लगे मे बी वो खा लेते होंगे वो भी यूज करते हैं ताकि पेस्ट वगैरह कम लगे ठीक है कीड़े वगैरह ना लगे ठीक है चलिए जी नेक्स्ट क्या बेटा आपका आ, तो भाई ये क्यों कर रहे हैं ये क्यों करो ये क्यों पेस्टिसाइड्स का क्यों यूज करो हमारी बॉडी के लिए क्या है जो पेस्टिसाइड्स सॉरी पेस्टिसाइड्स का ना यूज करो बायोपेस्ट मतलब नेचुरल तरीके से पेस्ट को कंट्रोल करो ठीक है क्योंकि ताकि फसल जो है क्योंकि केमिकल है वो तो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है और हम स्वस्थ रहेंगे तो तो ही हम कुछ कर पाएंगे ना सीधी सी बात है तो वही है तो यही हम बात कर रहे हैं उसमें ठीक है तो वही है नेचुरल तरीके से अगर मैं बात करूं पेस्ट को कंट्रोल किया जाए इससे क्या होगा फर्टिलिटी ऑफ लैंड भी बढ़ेगी जो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं ना वो लैंड के लिए अच्छा नहीं होता जमीन के लिए उससे फर्टिलिटी ऑफ लैंड कम होती है और फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसी लैंड छोड़ के जाना चाहते हो समझ गए ना चलिए नेक्स्ट सर रिसाइकिल करो वेस्ट को वेस्ट को भी रिसाइकिल किया जा सके जैसे कि पेपर है पेपर पता है बुट से बनता है ठीक है कितने सारे पेड़ पौधे कट रहे हैं पेपर को बनाने के लिए तो पेपर को रिसाइकिल किया जा सके ताकि कम पेड़ पौधे और फ्यूचर के लिए हम एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट मतलब मतलब ये ना हो कि फ्यूचर के लोगों को सांस लेने में दिक्कत है पेड़ पौधे इतने काटेंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे लोग क्या फ्यूचर के लिए ऐसी लाइफ छोड़ के जाना चाहते हो कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके सांस नहीं ना तो पेड़ पेपर को रिसाइकिल करो ताकि कम से कम पेड़ पौधे कटे ठीक है प्लास्टिक वगैरह इसको भी रिसाइकिल करो क्योंकि प्लास्टिक को दो तरीके से खत्म कर सकते हैं या तो डिकम्पोज करो वो हो नहीं सकता हो नहीं सकता प्लास्टिक दूसरा क्या है आ, प्लास्टिक को जला दो कितना एयर पोल्यूशन होगा उससे ठीक है तो प्लास्टिक प्लास्टिक को को भी क्या करो रिसाइकल करो अगर आप देख रहे हो किया जाए जो ये आपकी कोका कोला मरिंडा लिमका वाली बोटलें हैं जो आप यूज करते हो उसको आप डस्टबिन में फेंक दो तो इसको ये रिसाइकिल वाले डस्टबिन में फेंको ताकि वो इंडस्ट्रीज में जाए वो रिसाइकिल हो एक नई बोटल में कन्वर्ट हो जाए इसको भी रिसाइकिल करो ठीक है जी चलिए जी ताकि फ्यूचर के लिए हम एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट छोड़ के जाए मतलब समझ गए ना वही वाला बात जी स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स रिवर लेक्स स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो गंदा वेस्ट जो है पानी में ना डाले ठीक है या फिर यही स्पेशली इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए कि वो बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन ना करे जो वेस्ट है उसको पानी में ना डाले ठीक है वेस्ट को डिस्पोज ऑफ ना करें क्योंकि बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं डिस्पोज ऑफ करेंगे तो इससे सॉइल पोल्यूशन भी होता है ठीक है तो उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए अगर कोई करे तो उनके लिए पेनल्टी फाइन वगैरह लगाना चाहिए तो ये भी करना चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए हम एक पॉल्यूशन फ्री छोड़ के जाए और जो इंडस्ट्रीज है बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा करती है तो उनके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए कि इससे ज्यादा नॉइज नहीं होना चाहिए तो उससे रिलेटेड स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन स्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए उनके लिए ताकि हम फ्यूचर के लिए एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट छोड़ के जाए चलिए प्रमोट पब्लिक ऑफ को जो है प्रमोट करना चाहिए जैसे कि वगैरह या पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसेज वगैरह लोगों को यूज करने चाहिए ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके लेकिन आज के टाइम में क्या लोग हर कोई अपना पर्सनल पर्सनल व्हीकल यूज कर रहा है तो इससे हो क्या रहा है बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन इनका यूज करो मेट्रोज का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप अकेले जा रहे हो तो क्यों पूरी पूरी गाड़ी लेके जा रहे हो यार मेट्रो का यूज़ कर लो बस वगैरह का यूज़ कर लो ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके नॉइज पॉल्यूशन को और हम फ्यूचर के लिए एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट छोड़ के जा सके तो यही कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है ताकि हम इस तरीके से इस तरीके से हम इस्तेमाल करें रिसोर्सेज को कि आज तो हम कर ले और फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा छोड़ कर जाए ठीक है तो बस यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है ये सारे टॉपिक्स हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं एक बार अच्छे से पढ़ लेना हो जाएगा आपका तो बस यहीं आपसे शुक्रिया लूंगी बहुत इजी चैप्टर है कोई दिक्कत नहीं बस उसके बाद बस एक ही चैप्टर रह गया आपका इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला बहुत अच्छे से करेंगे उसको भी तो बस मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंजॉय लव यू ऑल